हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, होप करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। एंड अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में 5G काफी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, डू यू बिलीव? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्वालकॉम ने जियो में इन्वेस्टमेंट कर दी है एंड ये 12th कंपनी है और 12 हफ्तों में जियो ने 12 कंपनियों को अपने स्टेक्स दे दिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्वालकॉम एंड जियो की जो डील हुई है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो को, लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। वेल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज मेरे चैनल पर आती रहती है। सो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिए, लाइक करके मोटिवेट करिए। इसी तरीके से आप थोड़ा सा मोटिवेट करके मेरे को और वीडियो बनाने के लिए पुश कर सकते हैं। सो कर देना जरूर से। अब हम लोग आते हैं वीडियो पे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालकॉम ने 730 करोड़ में 0.15% स्टेक एक्वायर कर लिया है जियो में। अभी ये इतनी बड़ी डील हुई है और ये थर्ड डील ऐसी हुई है जो कि सबसे बड़ी डील है फेसबुक और एक कोई और कंपनी थी उसके बाद, जो कि इतनी बड़ी डील हुई है। अब इस डील से काफ़ी सारे इंडिया को फ़ायदे मिल सकते हैं, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जियो में कितनी कंपनीज़ ने कितना स्टेक कैप्चर कर लिया है। तो यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा है, मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे 118,318.45 करोड़ बाय सेलिंग 25.24% होल्डिंग्स। तो 12 कंपनीज़ ने 25.24% एक्वायर कर लिया है। काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर निकल करके आ रहा है। लेकिन जियो का जो कर्जा था ना वो फिलहाल अभी ख़त्म हो चुका होगा। बट यहाँ पर अगर हमें बता दो कि बाकी सारी कंपनी से मुझे मतलब इतना प्रॉफिट वाला तो नहीं दिखा, लेकिन क्वालकॉम ने जब एक्वायर किया तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया को मिल सकता है और जियो को काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे क्वालकॉम के साथ मिलकर के अंबानी जी ने मतलब ये स्टेटमेंट दी है कि 5G हमें देखने को इंडिया में काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है। अब इतनी बड़ी डील हुई है तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंडिया में होता हुआ देखने को मिल जाए। और होप करते हैं कि सबसे पहले जियो लाएगी। आपको क्या लगता है, जियो लाएगी, एयरटेल लाएगी या फिर वोडा लाएगी? ऑब्वियस सी बात है, मेरे को तो जियो ही लग रहा है और जहाँ तक मेरे को अंदाजा है कि आपका भी आंसर जियो ही होगा। तो देखते हैं कि आखिर ये कब तक इंडिया में आता है और कब तक हमें इंडिया में 5G देखने को मिल जाएगा। बाकी 12 कंपनीज़ के जो नाम है वो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। ये सारी कंपनीज़ ने जियो में अपना स्टेक एक्वायर किया है। अब यहाँ पे अगर हम जियो की इक्विटी वैल्यू की बात करें तो 4.91 लाख करोड़ के आसपास इसकी इक्विटी वैल्यू है। एंड अगर हम इसकी एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 5.16 लाख करोड़ की वैल्यू निकल करके आती है। तो इसमें मतलब 25.24% तो बाकी 12 कंपनीज़ ने कवर कर लिया है। अभी देखते हैं कि कौन कौन सी और कंपनीज़ हैं जिनको ये लोग अपना स्टेक देने वाले हैं। 75% से कम का अब स्टेक जो है वो जियो के अंदर रह गया है, 74 point something कुछ रह गया होगा। तो मेरे ख्याल से 74.74 something ऐसा कुछ रह गया होगा स्टेक जियो के हाथ में। तो देखते हैं कि इंडिया में कब तक 5G हमें देखने को मिलता है। एंड इस डील से मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि ये जो डील है वो हमें आगे टेक्नोलॉजी में लेकर के जाएगी और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आ गया तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड ये छोटी सी न्यूज़ आपको पसंद ज़रूर से आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं तो वहाँ पर जाकर के ज़रूर से फॉलो कर लेना।